आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ अपने बारे में और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में कि हमें गेट और यूजीसी नेट के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। सो, मेरा नाम कपिल ठुकराल है। मैंने इस साल जुलाई 2018 में यूजीसी नेट दिया था, जिसके अंदर मेरे पेपर वन के अंदर 60% बने और पेपर टू के अंदर 69% बने। सो ओवरऑल मेरे 66% बने। सो एक्चुअली मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही अप्लाई किया था। आई डेंट अप्लाई फॉर JRF बिकॉज मुझे पता नहीं था कि JRF के थ्रू क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, एंड आई वॉज एक्चुअली फोकसिंग मोर ऑन गेटिंग जॉब्स इन एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन फ्यू कॉलेजेस। तो मैंने सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया था। सो एज अ रिजल्ट आई गॉट क्वालिफाइड ओनली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, ऑल्दो द कट ऑफ फॉर JRF ऑल्सो वेंट टू बी 60% ओनली, बट आई डेंट अप्लाई फॉर JRF, सो आई डेंट क्वालिफाई। एंड आई गेव गेट 2017 इन विच आई सिक्योर्ड 289 रैंक, एंड आई ऑल्सो गेव गेट दिस ईयर एज वेल। सो इन गेट 2018 आई गॉट 183 रैंक। सो मैंने BTech की थी अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, जो कि पहले AIT के नाम से जाना जाता था, विच इज़ associated with Guru Gobind Singh Indraprastha University. So, अब मैं start करता हूँ कि मैंने कैसे preparation strategy मतलब क्या क्या था। तो actually मेरा BTech में placement हुआ था दो companies में, so Unisys Bangalore and Samsung Noida. So, I went on to join Unisys in Bangalore. So, I joined Unisys in August. But मेरा मन था कि अब मुझे वापस जाना है और मुझे teaching जॉब मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती थी। सो आई वॉन्टेड टू डू माई MTech। तो मैंने एग्जैक्टली 15 सितंबर को, आई स्टिल रिमेंबर दैट डेट, कि मैंने 15 सितंबर को डिसाइड किया था कि आज से मैं गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा। और मेरा एग्ज़ाम उस साल मतलब 2016 मैंने डिसाइड किया था कि मैं स्टार्ट करूँगा, और 2017 में शायद फेबररी 10th या 11th को मेरा गेट का एग्ज़ाम था। तो मैंने कैसे क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई और क्या क्या किस वे में प्रिपेयर किया वो हम डिस्कस करते हैं अब। तो मैंने क्या मैंने एक्चुअली पहले तो ये एक फ्यू लिस्ट है जिस वे में आपको प्रिपेयर करना चाहिए। तो हमेशा अगर आप गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं सो हमेशा आपको PNC और प्रोबेबिलिटी से ही स्टार्ट करना चाहिए और उसके बाद प्रोपोजिशनल लॉजिक करना चाहिए। PNC प्रोबेबिलिटी एक्चुअली आपकी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में यूज़ आएगा, बहुत सारी डेरिवेशंस में यूज़ आएगा। फॉर एन एग्जांपल कि आप स्लॉटेड अलोहा में जब आप यूज़ करेंगे, उसके जब रिजल्ट्स डिराइव करेंगे तो प्रोबेबिलिटी यूज़ होगी, और बहुत सारे केसेस में PNC तो यूज़ होगी होगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट साउंड विद PNC प्रोबेबिलिटी, एंड ऑल्सो प्रोपोजिशनल लॉजिक जो है वो यूज़ होगा बहुत सारी जगहों पर। सो लेट्स से कि हमें सेट थ्योरी में भी बहुत सारे डेफिनेशंस देनी होती है, लाइक मैथमेटिकल डेफिनेशंस। सो इन प्रोपोजिशनल लॉजिक यू विल कम अक्रॉस मेनी सिंबल्स लाइक फॉर ऑल एंड देयर एग्जिस्ट, व्हाट डू दे मीन एंड हाउ टू यूज़ देम प्रॉपरली। सो पहला तो फर्स्ट स्टेप दैट यू नीड टू फॉलो इज दैट गेट साउंड विद दीज टू टॉपिक्स। सो अब ये कहाँ से पढ़ने हैं, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बुक के डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मैंने केनेथ रोजन से पढ़ी थी, तो ये आपको मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है ही। उसमें फर्स्ट चैप्टर है प्रोपोजिशनल लॉजिक, और PNC प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने एक्चुअली कोई भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक ले लीजिए और उसमें से रेफ़र कर लीजिए, वो बहुत ईजी होगा। मैंने एक्चुअली अरुण शर्मा प्रेफर की थी क्योंकि अरुण शर्मा का लेवल थोड़ा सही था, तो मैंने PNC प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट किया था, और मैंने आई गेव इट लाइक 4 to 5 days टू गेट एक मतलब ये सब कुछ कंप्लीट करने के लिए PNC प्रोबेबिलिटी के लिए। फिर प्रोपोजिशनल लॉजिक मैंने केनेथ रोजन में से स्टार्ट किया, और वो भी मतलब एटमोस्ट 1 week के अंदर अंदर मैंने प्रोपोजिशनल लॉजिक अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस गेट क्वेश्चंस वो कंप्लीट कर दिया था। सो फर्स्ट स्टेप तो यही है, और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में और भी काफ़ी सारे टॉपिक है लाइक सेट थ्योरी
और ग्राफ थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा, वो आप कभी भी बाद में कभी भी कंप्लीट कर सकते हो, वो इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इन दोनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स भी कर रहे हैं तो. सो स्टार्टिंग विद CN, अच्छा आपको अगर करने हैं सब्जेक्ट्स तो ये कुछ कुछ यूनिट्स बने हुए हैं कि CN, DBMS और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स तो कभी भी कर सकते हो, बट अगर आप ये पूरा यूनिट एज अ होल कम्प्लीट करें और ये एज अ यूनिट होल कम्प्लीट करें, ये एज अ यूनिट होल कम्प्लीट करें, तो आपको ज़्यादा मतलब हेल्प मिलेगी. अगर आप सीधा OS पे जंप कर रहे हैं और देन यू आर डूइंग TOC एंड देन यू आर जंपिंग ऑन टू लेट्स से DCS एंड देन यू आर जंपिंग ऑन टू सम अदर सब्जेक्ट एंड देन यू आर डूइंग COA, तो आपको इतनी ज़्यादा अच्छी मैपिंग नहीं बन पाएगी, बिकॉज दीज थ्री सब्जेक्ट्स आर वेरी वेल कनेक्टेड. तो अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट्स को इकट्ठे पढ़ते हो तो बहुत ही अच्छे से मैपिंग बन पाएगी, क्योंकि COA के काफ़ी कंसेप्ट जो है वो OS से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है और DCS के काफ़ी सारे COA से रिलेटेड है. सो इट्स प्रेफर्ड कि आप पहले DCS करें, देन गो फॉर CO एंड देन डू OS. और इसी तरह TOC कंपाइलर में भी सेम ही है, दैट यू डू बोथ ऑफ देम एज अ यूनिट. सो कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो मैंने कहाँ से की थी. सो CN के लिए, इस CN को प्रिपेयर करने के लिए कोई ज़्यादा स्पेसिफिक बुक्स नहीं है, या फिर क्योंकि फॉर्जन और मैंने दो बुक्स रेफ़र की थी, एक तो फॉर्जन और कंप्यूटर नेटवर्किंग टॉप डाउन अप्रोच बाय जिम कूरोस. तो एक्चुअली ये सब्जेक्ट मतलब फॉर्जन ही इतनी बड़ी है, यू कैन नॉट गो अबाउट रीडिंग होल बुक एंड फिर आप कूरोस एंड रॉस पढ़ो और फिर क्वेश्चंस लगाने जाओ गेट के, तो आप ऐसे कर ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कोर्स मतलब फॉर्जन में तो बहुत ही ज़्यादा दे रखा है, जबकि गेट के अंदर बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिन पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए. मतलब इट्स लाइक कि आपको एट मैक्स 50% सिलेबस ऐसा लगेगा जिस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, और 50% सिलेबस है कि यू कैन जस्ट रीड इट आउट एंड इट्स नॉट रिक्वायर्ड दैट यू फोकस अपॉन इट. सो मैंने जो स्ट्रैटेजी यूज़ की थी वो ये थी कि मैं पहले तो मैंने जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे उसके वेरी रेडिली अवेलेबल थे नोट्स वगैरह, तो मैंने उसको पहले इकट्ठे किया एंड आई वेंट थ्रू द नोट्स सो दैट आई हैव अ मैपिंग दैट विच ऑल टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट. तो मैंने नोट्स में से रेफर किया, फिर मैंने गेट के क्वेश्चंस देखे कि गेट के क्वेश्चंस किन किन टॉपिक्स पर ज़्यादा आ रखे हैं, तो मैंने उन स्पेसिफिक टॉपिक्स को इन बुक्स में से पढ़ना स्टार्ट किया, फॉर्जन और जिम एंड जिम कूरोस में से. और कुछ कुछ मेरे को कभी कभार ऑनलाइन रिसोर्सेज पर भी थोड़ा थोड़ा जाना पड़ जाता था, बट बेसिकली ज़्यादातर मैं यही स्ट्रैटेजी यूज़ करता था कि मैं जो भी कोचिंग के मेरे पास नोट्स पड़े थे उसमें से गो थ्रू हो एक बार, टेल मी नोट डाउन ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, देन गेट के क्वेश्चंस देखो अगर हो रहे हैं, अगर कोई नहीं हो रहा तो उस टॉपिक के लिए बुक्स को रेफ़र करो, क्योंकि यू कैन नॉट गो अबाउट रीडिंग होल बुक. सो डी ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स के अंदर मेरी यही स्ट्रैटेजी रही थी, बट CN के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. तो DBMS के लिए तो हमने दो बुक्स सब आपको पता ही होगा कि नवा थे और दो बुक्स हैं उनको रेफ़र करना होता है. तो एक्चुअली नवाथे बुक में आपको ऑलमोस्ट 90% ऑफ सिलेबस कवर हो जाएगा, बट देर आर अ फ्यू स्पेसिफिक टॉपिक्स जो जिसके लिए आपको कोर्स जो है वो रेफ़र करनी पड़ेगी. तो इसमें भी मैंने ये किया कि जो मेरे पास नोट्स पड़े थे उनमें से मैंने उसी में से स्पेसिफिक टॉपिक्स लिए कि कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आई वेंट अबाउट डूइंग इट फ्रॉम नवाथे. और शायद SQL कोर्स में ज़्यादा अच्छी दे रखी है, तो मैंने उसके लिए कोर्स यूज़ किया. और ऑनलाइन जो भी रिसोर्सेज है SQL के लिए तो बहुत सारे लाइक ट्यूटोरियल पॉइंट वगैरह बहुत सारे मिल जाएंगे, वहाँ से हम जल्दी से SQL कर सकते हैं. और फिर देन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए तो कोरस एंड रोस ही है. डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ये PNC प्रॉबिलिटी विच इज़ कॉम्बिनेटोरिक्स और प्रोपोजिशनल लॉजिक और सेट थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा, तो आपको सेट थ्योरी और ग्राफ थ्योरी और ये दोनों टॉपिक्स तो केनेथ एंड रोजन में मिल जाएंगे, बट लीनियर अलजेब्रा एक्चुअली मैंने खुद नहीं पढ़ी थी, आई स्किप लीनियर अलजेब्रा बिकॉज लीनियर अलजेब्रा थोड़ा ज़्यादा वास था तो मैंने स्किप कर दिया था और अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं किया वो. सो लीनियर अलजेब्रा के लिए मैं नहीं शायद बता पाऊँ, बट सेट थ्योरी, ग्राफ थ्योरी, प्रोपोजिशनल लॉजिक ये सब आपको इसी बुक में मिल जाएगा. सो इस यूनिट के लिए प्रोग्रामिंग इन सी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, आई वॉज प्रिटी गुड विद माई सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स,
तो मैंने इसके लिए एक बुक है नारसिम्हा कारामुंची की, दैट डेटा सक्सेस इन एल्गोरिथम्स मेड इजी. तो प्रोग्रामिंग इन सी के लिए तो मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे को पॉइंटर्स वगैरह के कॉन्सेप्ट्स थोड़े अच्छे से आते ही थे. सो बस मैंने क्या किया कि सारे क्वेश्चंस लगा दिए, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर्स के सी प्रोग्रामिंग के अंदर. सो आप सीधा वो क्वेश्चंस लगा दिए लगा लीजिएगा इफ़ यू आर गुड एट इट. बट अगर आपको स्पेसिफिकली प्रोग्रामिंग इन सी की कोई बुक पढ़नी है तो एक डेनिस रिची की बुक आती है प्रोग्रामिंग इन सी की, तो आप डेनिस रिची को रेफ़र कर सकते हैं. अब डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम के लिए मैंने एक नारसिम्हा कारामुंची की बुक आती है दैट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स मेड ईजी. अब उसके अंदर थ्योरी भी दे रखी है और क्वेश्चंस भी, मतलब प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस भी दे रखे हैं. बट मैंने क्या किया था कि सिर्फ मैं उसकी थ्योरी थ्योरी पढ़ता था. सो लेट्स से कि डेटा स्ट्रक्चर्स के लिंक्ड लिस्ट की थ्योरी पढ़ ली मैंने, और जो भी क्यूज स्टैक्स उसकी थ्योरी थ्योरी पढ़ ली, और उसके जो पीछे बैक के क्वेश्चंस थे वो मैं नहीं देखता था. इसके अंदर, इस बुक के अंदर फर्स्ट चैप्टर है कॉम्प्लेक्सिटी मतलब हमारे एल्गोरिथम्स को एनालाइज करने के लिए उसकी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी. ये फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी करना और क्वेश्चंस भी, बैक क्वेश्चंस भी करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उससे आपको बहुत ही अच्छी एक मैपिंग मिल जाएगी कि हम किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाल सकते हैं. और इसके अंदर एक रिकरेंस रिलेशंस भी एक टॉपिक है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर. वो आपको कहने थे रोजन के अंदर मिल जाएगा, वो शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग सिक्स एडवांस काउंटिंग टेक्निक्स या सिक्स चैप्टर है, आई एम नॉट श्योर, यू कैन रेफर टू इट. तो इस चैप्टर को मैंने किया तो था बट ये बिल्कुल भी मेरे को यूज़ नहीं आया, बिकॉज जब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या फिर कुछ भी एक रिकरेंस रिलेशन को एनालिसिस के क्वेश्चन आते हैं तो उसके ऑप्शन दे रखे होते हैं. तो एनालिसिस के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो दो तरीके के आते हैं. एक तो आते हैं कि यू विल बी गिवन ऑप्शंस, सो लेट्स से कि ऑर्डर ऑफ समथिंग. सो ये जो ऑर्डर वाले होते हैं ये तो आप मास्टर थ्योरम और एक्सपेंशन के थ्रू, सो लेट्स से आई हैव टी एन इज इक्वल्स टू टी एन माइनस वन एंड समथिंग, तो ये तो एक्सपेंशन के थ्रू हो सकता है, और जो दूसरी फॉर्म्स के होते हैं वो मास्टर थ्योरम के थ्रू हो सकते हैं. तो उसके लिए तो आपको ये रिकरेंस रिलेशंस ये वाला चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है. बट एक कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि अगर मेरे को कोई रिकरेंस रिलेशन दिया और उसका एग्जैक्ट आंसर चाहिए अगर मुझे, सो लेट्स से 3n/2 इज द एग्जैक्ट आंसर ऑफ सम रिकरेंस रिलेशन, तो ये आपके जो मास्टर थ्योरम वगैरह और एक्सपेंशन वगैरह के थ्रू जो आंसर्स आते हैं वो आपके ऑर्डर में आते हैं. मतलब दैट मीन्स इट इज़ नॉट द एग्जैक्ट आंसर, दैट इज़ द अप्रॉक्सीमेट आंसर्स. तो इन क्वेश्चंस के लिए एक्चुअल में आपका ये वाला चैप्टर बना है, रिकरेंस रिलेशंस चैप्टर बना है इन क्वेश्चंस के लिए. बट जो ये क्वेश्चंस आते हैं ये भी ऑप्शंस के साथ आते हैं, मोस्टली ये ऑप्शंस के साथ ही आते हैं. तो मैं क्या करता था कि मैं एन की वैल्यू पुट करके कुछ ना कुछ, मतलब ये वाली टेक्निक यूज़ करके हम ये वाले आंसर्स क्वेश्चंस को भी आंसर बहुत ईजीली कर सकते हैं. सो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन स्किप दिस चैप्टर बिकॉज दिस चैप्टर इज़ वेरी लेंदी. बट या अगर आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है तो पढ़िएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है, आपकी बहुत ही अच्छे से मैपिंग बढ़ जाएगी माइंड में और नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी. बट अगर आपको स्पेसिफिकली गेट के लिए जाना है एंड यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम तो आप ये टेक्निक फॉलो कर सकते हैं. तो ये हुआ. सो इसमें फर्स्ट चैप्टर, नाउ कमिंग बैक टू प्रोग्राम दिस यूनिट. सो डेटा इंस्ट्रक्चर नारसिम्हा कारामुंची में से मैंने थ्योरी पढ़ी थी, और देन आई वेंट अबाउट to do all the previous year questions. और algorithms में भी कुछ specific algorithms होते थे जो नारसिम्हा कारामुंची में नहीं दे रखे अच्छे से, तो वो specific algorithms के लिए I used to refer geeks for geeks. तो उन पर बहुत ही specific, बहुत ही well explained answers आपको मिल जाएंगे उस algorithms के बारे में. So now coming to this unit, TOC and compiler. इसके लिए भी मैंने, इन सब के लिए फिर मैंने यही किया था कि नोट्स से सिर्फ पढ़ा और जो भी ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स थे उनको देखा और ज़्यादा कुछ नहीं किया. मतलब मैंने बुक्स तो बिल्कुल ही नहीं रेफ़र की थी इनके लिए, और मैंने सिर्फ नोट्स, और उसी में से बिकॉज आई वाज रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम तो बस मैंने इनके नोट्स देखे जो भी मेरे को कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह के बच्चों ने बना रखे थे, और मैंने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स देखे और उसके बाद ही मैं क्वेश्चंस करने चला गया. और फिर DCS COA के लिए भी, इन दोनों के लिए तो नोट्स ही मैंने प्रेफर किए थे, बिकॉज DCS के अंदर शायद आपको फुल कोर्स एक बुक में ना मिल पाए,
I've heard कि COA के लिए हैमेचर अच्छी है, but हैमेचर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगती है मेरे को थोड़ी. तो मैंने तो बुक नहीं पढ़ी अभी तक हैमेचर, but if you want, of course you can go ahead. You'll get a better mapping. But मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही बस किया और मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए. और OS के लिए तो गैल्विन है ही. अगर आप गैल्विन कर लेते तो दैट्स मोर देन जस्ट इनफ. गैल्विन कर लीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लीजिए. तो मैंने गेट 2017 दिया था. तो व्हेन आई गेव गेट 2017 तो उसके अंदर मेरे 63 मार्क्स आए थे नॉर्मलाइज मार्क्स और 289 रैंक आई थी. तो फिर उसके बाद मैंने IIT रुड़की में एडमिशन ले लिया. फिर देन फर्स्ट सेमेस्टर पास हुआ. तो बाय द मिड ऑफ दिसंबर फर्स्ट सेमेस्टर पास हुआ. उसके बाद मैंने सोचा कि गेट 2018 मतलब दोबारा देते हैं ताकि मेरी एक रिवीजन हो जाए. तो गेट 2018 देने के लिए मैंने कुछ नहीं किया. जो भी नोट्स वगैरह थे मेरे उसी से बस मैंने पढ़ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी नहीं लगाए उसी से मैं पढ़ के चला गया गेट 2018 देने. तो उसमें भी मेरे नॉर्मलाइज मार्क्स 63 ही बने बट इस बार रैंक मेरी 183 बन गई बिकॉज गेट 2018 जो था वो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल था इस बार का. बट जो अब इन दोनों में मैंने गलतियाँ क्या क्या की. दोनों में ही मैंने एटलीस्ट 5 नंबर या 6 नंबर के मेरे क्वेश्चंस छूट गए थे. तो एटलीस्ट उन 6 नंबर्स में से अगर मेरे 2 नंबर भी ज़्यादा आ जाते तो रैंक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया था. तो 183 से शायद वो 100 बन जाती. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए. उसके लिए आपको स्पीड बनानी स्पीड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और स्पीड बनाने के लिए आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं और जितनी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी सारी टेस्ट सीरीज़ भी आपको करनी है अगर आपको स्पीड चाहिए. मैंने अभी तक नहीं करी बट फॉर श्योर मैं भी करूँगा मतलब वो सॉल्व करूँगा. क्योंकि अगर आपके माइंड में थ्योरी की मैपिंग बहुत अच्छी है बट जो एप्लीकेशन करना उसके क्वेश्चंस पे अगर वो फास्ट हो सके तो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा और आप सारे क्वेश्चंस विद इन टाइम आप जो है वो सॉल्व कर पाएंगे. सो बेसिकली अभी तक जो मेरे को लगता है यही था मेन फ्लॉ कि अभी तक मैंने टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई तो इसीलिए शायद मैं अंडर 100 नहीं ला पाया. तो इस बार होप करते हैं कि वो करूँगा. सो ये तो हो गई प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी गेट के लिए. सो गेट में फिर मेरी 183 आई थी. फिर आई गॉट बिजी विद माई सेकेंड सेमेस्टर और फिर उसके बाद मैंने जुलाई में जैसे मैं मिड मे में फ्री हुआ था तो मेरे पास जून का मन जो है वो पूरा फ्री था प्रिपरेशन करने के लिए UGC नेट की प्रिपरेशन करने के लिए. अब गेट में मेरे सारे के सारे कोर सब्जेक्ट्स तो कवर अप हो ही चुके थे तो मैंने कुछ नहीं किया UGC नेट के लिए. मैंने प्रिपरेशन क्या की मैं दोबारा से अपने नोट्स निकाले और उसको पेज पलटाने लग गया एंड बस मैंने रिविज़न कर ली. एक महीने के अंदर मैंने रिविज़न करी. नो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नथिंग. बट मेरे साथ ये हुआ कि IIT रुड़की में जो सिलेबस था उसका फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी कवर हो गई थी और सेकेंड सेमेस्टर में डेटा माइनिंग कवर हो गई थी. तो एक्चुअली UGC नेट में ये दोनों सब्जेक्ट्स भी है तो ये मैंने एक्सप्लिसिटली नहीं पढ़े बट बिकॉज दिस वॉज इन माई कोर्स तो ये भी मेरे कम्प्लीट हो गए थे. तो इसलिए फिर मैं यही सब पढ़ के देने चला गया UGC नेट. सो UGC नेट जुलाई 2018 में. सो उसमें मेरे मतलब ओवरऑल 66% बन गए. और पेपर वन के लिए अगर मैं तो एक्चुअली अगर आप देखो UGC नेट में कोई मेरे से बच्चे पूछते हैं कि हम गेट के लिए प्रिपरेशन क्यों करें जब हमें UGC नेट ही देना और UGC नेट के लेवल जो है वो बहुत कम है गेट से. दैट इज़ ट्रू बट एक्चुअल थिंग इज़ कि अगर आप गेट के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स की आपकी बेटर मैपिंग बन जाएगी माइंड में. तो आप जो क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत तेज जो है वो सॉल्व कर पाएंगे. तो आप विद इन टाइम जो है वो कर लेंगे जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे. तो इस बार पेपर वन था और पेपर टू था. पेपर टू ही सारा टेक्निकल था तो पेपर टू एज फार एज आई नो मेरा बहुत अच्छे टाइम में हो गया था. तो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ कि मैंने गेट दे रखा था. तो गेट की अगर क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो आप UGC नेट के ईजिली कर लोगे. अब बात आती है कि UGC नेट का जो सिलेबस है जो गेट का सिलेबस है वो UGC नेट के ऑलमोस्ट 60-70% सिलेबस को कवर कर देता है. और उसके साथ मैंने ये करा ही हुआ था नेटवर्क सिक्योरिटी और डेटा माइनिंग. और उसके साथ मुझे थोड़ा बहुत तो आइडिया था ही कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स क्या है. तो मैंने इसको एक्सप्लिसिटली प्रिपेयर नहीं किया बस बीटेक के टाइम पर जो किया हुआ था तो उसकी स्मॉल मैपिंग के साथ मैं चला गया एग्ज़ाम में.
सो उसमें मेरे 69% पेपर टू में आए थे, और पेपर वन के लिए मैंने क्या किया था, एब्सोल्युटली नथिंग. तो पेपर वन के लिए जहाँ तक मुझे लगता है जिसका कॉन्ट और इंग्लिश सही है वो पेपर टू में इजीली उसको क्रैक कर सकता है, और थोड़ी कॉमन सेंस ऑफ कोर्स चाहिए. तो मेरे को ऐसा लगा कि पेपर वन में कुछ कुछ प्रोपोजिशनल लॉजिक के काफ़ी क्वेश्चन आ रखे थे. प्रोपोजिशनल लॉजिक उन क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता, तो अगर आपकी प्रोपोजिशनल लॉजिक अच्छा है तो आपको पेपर वन में बहुत हेल्प मिलेगी. और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन थे और इंग्लिश के क्वेश्चन थे, शायद मैं उन्हीं क्वेश्चन को बस मैंने अच्छे से अटैम्प्ट किया था. इफ़ यू टॉक ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, तो मैंने उसके लिए एक्सप्लिसिटली प्रिपेयर कुछ नहीं किया या कुछ नहीं पढ़ा था, बस जो कॉमन सेंस थी उसी को मैंने थोड़ा सा ही शायद यूज़ करके मेरे 60% आ गए, और ऑफ कोर्स लक भी था. और जो सेकंड बात है कि आप, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती यूजीसी नेट में, तो अगर आपको थोड़ा सा भी, जैसे अगर आप कोई क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने वो वाला क्वेश्चन कभी देखा ही नहीं है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट पढ़ो और उसके बारे में सोचो ज़रूर, अगर आपके पास टाइम है. ऑफकोर्स फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है कि आप बाकी सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लो, एंड सेकेंड प्रायोरिटी ये है कि आप जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आता, आपने कहीं कभी नहीं भी देखा, तो वो भी कभी कभार क्वेश्चंस हो जाते हैं, उसकी मैपिंग बन जाती है. एटलीस्ट आप अटैम्प्ट तो करके आओ, क्योंकि वो नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं उसमें. सो ये तो हो गया यूजीसी नेट का. देन अब मैं थोड़ी सी, मतलब ओवरऑल मुझे क्या हेल्प किया, ये मैं थोड़ी सी चीज़ें हैबिट्स की फॉर्म में मतलब डिस्कस करना चाहूँगा कि क्या क्या मुझे हेल्प किया. सो डिसाइड वाई यू वॉन्ट टू डू समथिंग. पहले तो यही डिसाइड करना है कि कोई रीज़न होना चाहिए कुछ भी चीज़ करने का. सो इफ़ यू वॉन्ट, मेरे पास यही रीज़न था कि जब मैं बैंगलोर गया तो ये था कि अब मुझे मॉम डैड के पास वापस आना है, और IT कॉरपोरेट वगैरह वर्ल्ड बैंगलोर में ही ज़्यादा अच्छा था. तो हाउ कैन आई गेट बैक टू माई पेरेंट्स, गेट लुक टू, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि गेट मुझे वापस लेके आ सकता, तो मेरा रीज़न यही था कि मैं गेट दूँ. और फिर एक ये है कि आप जब भी डिसाइड करो, जैसे मैंने स्पेसिफिकली मेंशन की कि 15 सितंबर को मैंने प्रिपरेशन की स्टार्ट की थी, 15 सितंबर 2016 को गेट के लिए, तो उस दिन बहुत ही अच्छे से बैठ के मैंने अपने साथ एक दो घंटे मतलब बिताए, और फिर मैंने स्टार्ट किया कि आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ गेट की प्रिपरेशन. और उसके बाद मैं कंसिस्टेंट था, क्योंकि एक तो मैं बैंगलोर में था तो मेरी फैमिली, कोई भी मेरे को डिस्टर्ब करने के लिए बिल्कुल भी नहीं था. सो आई यूज़ टू लाइक कम बैक फ्रॉम ऑफिस, लॉक माई डोर्स, मतलब खाना वाना खाया, 8 बजे तक सो गए और सुबह 4 बजे उठ गए, देन 4 से 8 पढ़ाई की, देन दोबारा ऑफिस, और मैं यही करता था. और सैटरडे संडे आई हैड टू पुट लाइक 7 to 8 आवर्स, वो कंसिस्टेंट आपको रहना ही पड़ेगा. और ट्राई बींग अ मॉर्निंग पर्सन, जैसे मैंने कहा कि सुबह मैं 4 से 8 पढ़ता था. एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप लेट्स से कि 8 to 12 पढ़ रहे हैं या 9 to 1 पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपके फ़ोन डिस्टर्बेंस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि लेट्स से कि आप FB वगैरह फ्रीक्वेंटली चेक करते हैं, व्हाट्सएप पे फ्रीक्वेंटली मैसेजेस आते हैं, सारे फ्रेंड्स भी इसी टाइम में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, चल बाहर चल, ये चल वो चल. तो मैं क्या करता था कि इस टाइम में मेरे को सोना ही है, कोई मेरे को आगे डिस्टर्ब ना करे. सो मैं क्या करता था, अगर मुझे सुबह मैं 4 से 8 पढ़ता था, तो इसमें अगर मैं एक बार फेसबुक चेक भी कर रहा हूँ, तो अब फ्रीक्वेंटली अपडेट तो आ रही नहीं फेसबुक पे, तो मैं क्या ही चेक करूँ फेसबुक को. तो एक ही बार मैं चेक करने की मेरे को पड़ती थी, तो यही मतलब बहुत ही मिनिमल डिस्टर्बेंस हो जाती है अगर हम मॉर्निंग में ट्राई करते हैं पढ़ने की. बट इफ़ यू आर वेरी रिजिड इन योर शेड्यूल, और अगर आप 8 से 12 सच्चे में अपने आप को ब्लॉक करके पढ़ सकते हैं, तो यू कैन गो अहेड. सो एक्सपीरियंस मैटर्स अलॉट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो भी एग्ज़ाम है, लेट्स से ISRO का एग्ज़ाम है या फिर कोई भी एग्ज़ाम है, इवन इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू जॉइन लेट्स से बार्क और ISRO, बट यू हैव टू गो अहेड एंड यू हैव टू गिव ऑल दीज एग्ज़ाम्स. इसमें क्या होता है कि हमारी अटेंटिवनेस बहुत ज़्यादा रहती है, तो पेपर के दौरान जब हम कोई क्वेश्चंस देखते हैं तो वो हमारे माइंड में ज़्यादा टाइम तक स्टे करते हैं. और अगर कोई आपको इंटरव्यू की कॉल आई है, लेट्स से इवन इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू जॉइन दैट कंपनी, बट आप जाइए उस इंटरव्यू को दीजिए, ऑफकोर्स यू विल कम अक्रॉस फ्यू क्वेश्चन जो आपको नहीं आते होंगे, बट जो आपको नहीं आते होंगे फिर आप आके उसके बारे में सर्च करेंगे और वो लॉन्ग पीरियड के लिए आपके माइंड में रहेंगे. सो एक्सपीरियंस बाय दिस पॉइंट आई मीन कि जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी मिले जाए, गेट मतलब गेट का ही नहीं एग्ज़ाम, जो मर्जी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम्स देखे किसी ना किसी चीज़ में वो आपको कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे ही करेंगे. और ट्राई टीचिंग अ फ्यू टॉपिक्स टू योर फ्रेंड्स. सो क्या होता है कि हम
जब खुद पढ़ रहे होते हैं तो हम बोल के तो पढ़ते नहीं, तो हम बस ऐसे रीड आउट कर रहे होते हैं, तो देर इज़ अ वेरी लाइकली टेंडेंसी कि आपकी अटेंटिवनेस बहुत लो हो जाती है. बट जब आप किसी को पढ़ा रहे होते हैं तो आपकी अटेंटिवनेस बहुत ही हाई होती है. और मोर ओवर आपको ऐसा इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कि आप जब आप खुद से पढ़ रहे होते हैं तो आपके माइंड में इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कि अब आपको सब कुछ आ गया है और सारी मैपिंग अच्छे से बन गई है. बट जब आप किसी को पढ़ा रहे होते हो तो यू कम अक्रॉस फ्यू पॉइंट्स जिनके बीच में आपको भी लगता है अच्छा ऐसे क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो फिर आप उसके बारे में सर्च करते हो. तो मुझे ये लगता है कि अगर आप कुछ टॉपिक्स अपने जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं वो अपने आप दोस्त के साथ डिस्कस करें या उनको पढ़ाने की कोशिश करें तो आपकी बेटर मैपिंग हो जाएगी माइंड के अंदर और आपको हेल्प करेगा. और हैव वीकली गोल्स, जैसे कहते हैं हैव शॉर्ट टर्म गोल्स. सो लेट्स से कि मैं आज हूँ तो मैं एक दो हफ्ते की मैंने डिसाइड कर लिया था कि जैसे आज मंडे है सो आज से दो हफ्ते बाद मेरे को TOC कंप्लीट करनी है या फिर कंपाइलर कंप्लीट करनी है. तो इवन इफ अगर जो मेरे गोल्स है दो हफ्ते के मैं उसको विद इन स्टिपुलेटेड टाइम रीच नहीं भी कर पाया और मैं दो तीन दिन लेट भी हो गया अगर, तो दैट इज़ नॉट द इशू. बट द थिंग इज़ कि अगर आपके वीकली गोल्स होंगे तो आपके माइंड में ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्ट्रेस या फिर अर्जेंसी क्रिएट होगी कि मेरे को इस टाइम में करना ही करना है. तो आप खुद से ही टाइम निकालेंगे, खुद से ही अपनी स्पीड बढ़ाएंगे. अगर आपका कोई गोल नहीं है तो अगर आप जो 4 घंटे में पढ़ रहे हैं वो भी स्लो पढ़ रहे हैं, बट अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आज मैं इतना कंप्लीट करूँगा ही करूँगा, तो आपके एटलीस्ट वो लास्ट आवर में तो वो अर्जेंसी आ ही जाएगी. तो ये और फोर्थ पॉइंट, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक तो फर्स्ट थिंग इज़ कि आप मैं ऐसे करता था कि आधे घंटे में पढ़ता था और फिर छोटा सा ब्रेक लेता था. तो जब ये छोटे से ब्रेक में हम FB या YouTube चला लेते हैं तो एटलीस्ट 15 मिनट्स तो हमें YouTube पे ही लग जाते हैं और FB में 15 मिनट्स लग ही जाते हैं और उसके बाद भी हम टायर्ड फील करते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, और उसके बाद भी फिर हमारा मन करता है कि हम ब्रेक लें, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप FB या YouTube मत चलाएं फ्री टाइम में. जब आप ऑफिस में हैं या फिर कुछ और नहीं कर रहे तब चला लीजिए, कोई मना नहीं है. बट अगर आप YouTube उस टाइम में चलाते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा माइंड टायर्ड हो जाता है और आपका वापस पढ़ने का मन भी नहीं करता. तो अगर आप ये कर रहे हैं कि अगर आपने आधा घंटा पढ़ा और आप सिंपली लेट गए आराम से और सोच रहे हैं, बस ऑब्जर्व कीजिए अपने आसपास के एनवायरनमेंट को. अगर कुछ छोटा मोटा काम है तो वो करके आ जाइए, बट ये मत देखिए कि आपको बहुत ज़्यादा टायर कर देता है माइंड से. ऑल दो मज़ा आता है बट बहुत ज़्यादा टायरिंग होता है ये, तो उसके बाद भी आपको ब्रेक चाहिए ही होगा. सो दिस पॉइंट इज, दीज टू पॉइंट्स आर लाइक वेरी मच एसोसिएटेड, दैट रिग्रेट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू मोर फ्रस्ट्रेशन. तो इस पॉइंट का मीनिंग क्या है कि लेट्स से कि आज मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं था तो मैंने ब्रेक ले ली, आज मैं कुछ नहीं पढ़ा. सो इट्स वेरी मच ओके, सभी के साथ होता है, सब ब्रेक्स तो चाहिए ही होते. तो बट होता क्या था मेरे साथ कि जब मैंने ब्रेक ले लिया तो अब जब मैं पढ़ने आ रहा हूँ तो मेरे को रिग्रेट होता था कि मैंने ब्रेक क्यों ले लिया. तो रिग्रेट से मेरे को फ्रस्ट्रेशन होता था, फिर मेरा पढ़ने का बिल्कुल नहीं मन करता था. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सबको ब्रेक चाहिए. अगर आप वेरी वेल ऑन टाइम है कि आपका सब कुछ ऑन टाइम, अगर नहीं भी चल रहा तो रिग्रेट तो किसी भी केस में नहीं करना, किसी भी केस में नहीं. बस आप टाइम ज़्यादा पुट इन करें उस मतलब जो भी आपने वीकली गोल्स बनाए हैं उनको रीच करने की कोशिश करें, बट रिग्रेट मत करें. रिग्रेट से फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, फिर आपका पढ़ने का बिल्कुल ही नहीं मूड करेगा. और अगर ऐसा हो रहा है तो अगर आप एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रेच में अगर आप 2 घंटे भी पढ़ लेते हैं ना, तो आपको इतना ज़्यादा अच्छी सी फीलिंग आएगी कि यू विल फील दैट आई कैन गो ऑन एंड ऑन. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रिग्रेट मत फील कीजिए. अगर आपका टाइम वेस्ट हो भी गया या तो खुद की वजह से या किसी और की वजह से, तो रिग्रेट मत फील कीजिए. एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कि कोल्ड माइंड. तो कोल्ड माइंड का मीनिंग यही है कि हमारी चलते चलते मतलब किसी ना किसी से डे टू डे लाइफ में किसी ना किसी से लड़ाई हो ही जाती है. तो ये क्या होता है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं ना तो वो सारे थॉट सिर्फ उसी टाइम पे आएंगे माइंड में. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस फेज़ में जब से आपने डिसाइड किया कि आज मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैंने डिसाइड किया मैं आज ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, बी इट लाइक आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, दिस कैन बी इट. बट जब आपने डिसाइड कर लिया तो आप उसी पे रहे. सो उस फेज़ के लिए जब से आपने डिसाइड किया और जब तक आपका पेपर है, तो आप महात्मा गांधी बन जाइए अपने लाइफ के. तो व्हाट आई मीन बाय दिस इज़ कि बिल्कुल भी वॉयलेंस नहीं, कोई कुछ कह रहा है लेट इट बी, आपको कुछ नहीं कहना. तो अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आपका कोल्ड माइंड रहेगा, आप यू विल नॉट गिव अ शिट कि अदर पर्सन क्या कह रहे हैं, जो मर्जी कहने दो, आई डोंट केयर.
सो इससे क्या होगा कि आप बहुत ही ज़्यादा कूल रहेंगे और जब आप पढ़ेंगे तो अच्छे से आपके माइंड में जा सकेगा और बाकी के वेले वेले थॉट्स माइंड में नहीं आएंगे. सो ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है क्योंकि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं और किसी पे किसी चीज़ पे ग्राइंड कर रहे होते हो सो देर इज़ अ टेंडेंसी दैट यू विल शिफ्ट टुवर्ड्स एन इरिटेटिंग बिहेवियर और आप छोटी छोटी बातों से नाराज़ होने लगेंगे और इरिटेट होने लगेंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कोल्ड माइंड हो और चिल करो अपने आप को, मतलब जो भी आपको चीज़ अच्छी लगती है उसके लिए भी टाइम निकालो. हॉबीज आर अ वे टू कीप योर आई मीन टू इम्प्लीमेंट दिस माइंड, तो वो भी करो, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड ऑल द बेस्ट सर, आई वुड लाइक टू साइन ऑफ विद दिस. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. और कुछ भी अगर लाइक इफ यू वॉन्ट टू आस्क अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट बुक्स और सम एनी अदर क्वेश्चन, सो यू कैन आस्क मी इन कॉमेंट. दैट्स इट, थैंक यू.